देखो अभी जल बोर्ड आ चुके हैं, दिल्ली जल बोर्ड। लाइक इधर से राइट साइड ये वाली दिख रही है, ये वाली जल बोर्ड है, ये वाली। फाइनली भाई पहुंच गए, वो अपना स्टोर है। तो अभी अपना फोर व्हीलर यहाँ पे पार्किंग कर दिए और अभी स्टोर में चलते हैं। मतलब तो भाई अभी अपन लोग आ चुके हैं, लाइक देख सकते हो इधर सिर्फ कोठी और बंगला ही है। और अपन लोग किधर आ चुके बता सकते हो? ये भाई ये देखो, ये अपना छोले भटूरे, मेरा और सौम्या का, सिर्फ हम दोनों ही खा रहे हैं। ये देखो दो भटूरे छोले प्लस ये पता नहीं आलू का फ्राई है, चटनी है, प्याज है और फिर ये आम का अचार है और ये अपना लस्सी। ये जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। तो चलो अभी अपन लोग एक ऐसा जगह जा रहे हैं ना, काफ़ी मस्त सा जगह है और वहाँ पे ना काफ़ी मस्त मस्त सा चीज़ होने वाला, धमाल होने वाला। सो अभी तो आपको पहले नहीं बता सकते, तो वहाँ पे लेके जाने के बाद ही बताएंगे, प्लस आपको दिखाएंगे और कुछ अपन लोग लेंगे भी वहाँ से। तो चलो अपन लोग जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और फिर मैं अभी किधर हूँ गेस करो। ये देखो सारा नर्सरी टाइप का, इधर टोटल नर्सरी है, प्लांट व्लांट है, छोटा छोटा प्लांट। तो अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं, आपको रास्ता दिखाते जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे वो लास्ट में बताएंगे, जब पहुँच जाएंगे ना उसके बाद बताएंगे, आपको रास्ता दिखाते हुए जाएंगे। तो अभी अपन लोग कार पार्किंग से निकाल रहे हैं, अक्षरधाम से निकल रहे हैं और फिर चलते हैं, रास्ता में बताते हैं आपको। देखो भाई नर्सरी टाइप का लग रहा है ना, नर्सरी है, मतलब नर्सरी नहीं बोल सकते बट हाँ छोटा छोटा पौधा है सब यहाँ पे उपजाया जाता है, प्लस इसको बेचते हैं लोग। तो ये अपना कार पार्किंग के बिल्कुल बाजू में ही है, देख सकते हो ये वाली। सो गाइस ये देखो सामने के साइड चला जाता है लक्ष्मी नगर और इधर से अपने को यू टर्न लेना है नीचे के साइड से, प्लस ये थार देखो आगे का मॉडिफाइड हो रखा और कुछ कुछ बचा हुआ है। सो अपने को यू टर्न लेना है, सामने के साइड लक्ष्मी नगर चले जाएंगे तो अपने को लक्ष्मी नगर नहीं जाना है, यू टर्न लेके निर्माण बिहार के साइड जाना है। तो लोकेशन थोड़ा बहुत तो अपन लोग इंडिकेट कर दिए, बट थोड़ा सा और गेस कर लो, बट पहुँचने के बाद तो पूरा रिवील कर ही देंगे अपन लोग कौन सा लोकेशन पर जा रहे हैं। So, ये देखो अभी अपन लोग किधर आ चुके हैं, लाइक इधर देखो साइड साइड में सारी गाड़ियाँ प्लस जो भी सामान है सब कुछ इधर, ज्यादा शोरूम है बाइक का, ये सब का शोरूम है ना, तो सामान सब उतरता है बाइक वाइक, प्लस इस साइड भी रोड है। और आगे देखो यहाँ पे देखो, मतलब साइड साइड में ना काफी सारा ट्रक और फिर व्हीकल्स खड़े कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे ना काफी सारा मार्केट है। और ये देखो बजाज का शोरूम है। सो आगे देखो जाम भी लगा हुआ है, अपने को कितना टाइम का जाम लगता है तो पता नहीं यार, बट जाम में तो फंस चुके हैं अपन लोग। और इधर का जाम ना ये देखो रॉन्ग साइड से ला चुका है गाड़ी, ये देख रहे हो, इसी कारण से जाम लगती है इधर, और कोई कारण नहीं होता। और फिर आगे की साइड देखो ना तो यामाहा का भी सर्विस सेंटर है, शोरूम है, ये देख लो जाम कैसा लगा था पीछे के साइड से, अभी तो निकल गए बट जाम बहुत ही भयानक वाला था इसके कारण भाई, देख रहे हो इसी के कारण आगे रोड टूट के बन रखा है ना, बन रहा है ना, इसी कारण से भाई जाम काफी ज्यादा लग गया, दोनों साइड से ऐसे ही घुस गए सारे व्हीकल्स, तो जाम तो होगी ही है, तो भाई मतलब जाहिर सा बात है आप लोग भी समझते होंगे, तो इसी कारण से जाम लगी थी। और अभी अपन लोग पूरे खुलासे में आ चुके हैं और अभी मस्त वाला आगे की ओर जा रहे हैं, बस जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। और what's left the storms we chase are leading us and love is all we left। अपने को ना यहाँ से राइट लेना पड़ेगा, कोई आगे नहीं जाना पड़ेगा, आगे ट्रैफिक रहता है, तो अपन लोग इधर से ही घुस गए डायरेक्ट, ये देखो। सो इधर के साइड से अपन लोग चल रहे हैं एपी इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस, तो इधर से अपने को कितना दूरी और जाना पड़ेगा ये तो देखते हैं, बट इधर का लोकेशन देख रहे हो सारा जगह कचड़ा ही कचड़ा, प्लस व्हीकल्स देखो फोर व्हीलर सारा साइड साइड में खड़ा है, क्योंकि इधर काफी सारा कुछ है, मेरे को उतना अंदाजा नहीं क्या क्या है। ओपीडी इको, अच्छा इधर ही ना पानी वाला है, पानी वाला भी इधर ही है दिल्ली का, इधर से ही पानी बिल जो भी होता है सारा कुछ इधर ही जमा होता है आगे के साइड में, जल बोर्ड, हाँ जल बोर्ड बोलते है उसको, तो इधर ही है। प्लस ये देखो साफ सफाई क्या जी भाई, पेड़ तो इतना आया फिर भी इतना पॉल्यूशन, अरे भाई साहब वेल फायर देख रहे हो, टोयोटा का है ना वेलफायर, टोयोटा का नया गाड़ी लॉन्च करा है ना वेलफायर, वो अच्छा लगता है बट उतना भी मेरे को पसंद नहीं है, जैसा मतलब वो वाला निकाला है ना किया का,
छोटा सा गाड़ी इलेक्ट्रिक वाला, सेम वैसा ही, बस ये वाला सिर्फ बड़ा है। देखो अभी जल बोर्ड आ चुके हैं, दिल्ली जल बोर्ड, लाइक इधर से राइट साइड ये वाली दिख रही है, ये वाली जल बोर्ड है, ये वाली देखो, इधर के साइड अंदर में थोड़ा सा जल बोर्ड है, बट रोड पे इतना भी मतलब अपन लोग नहीं दिखा सकते हैं, समझ रहे हो ना, इसी कारण से। ये देखो इधर ही जल बोर्ड है, तो ये जल बोर्ड रहा, प्लस अपने को इधर से जाना, एक ट्रैफिक लाइट मिलेगा, तो ट्रैफिक लाइट पे भाई कैमरा नहीं है एलाओ, मतलब अपन लोग नहीं चला सकते, प्लस थाना प्रीत बिहार। सो ये भाई ये अपन लोग प्रीत बिहार आ चुके हैं, और इधर के साइड देखो ट्रैफिक में सारे लोग कितने सारे फंसे हुए हैं, क्योंकि यार हम लोग की तरफ से ना सिर्फ 20 सेकंड दिया क्रॉस करने का, बट फिर भी निकल गया अपना, कोई ना सही हो गया। और आगे अपने को एकदम सीधा जानी है, आगे देख रहे हो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उससे भी एकदम सीधे जाना है अपने को, नहीं दिख रहा ये देखो, अब दिख रहा है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो इससे अपने को एकदम सीधे जाना। तो आप लोग अब गेस कर लो, जो दिल्ली से हो ना वो तो गेस कर ही लोगे अपन लोग अब किधर जा रहे हैं, बट जो नहीं हो ना उसके लिए सरप्राइजिंग है, बस वहाँ पहुँचने के बाद आपको बता देंगे कौन सा लोकेशन है, और उसके बाद दिखा भी देंगे अपन लोग क्यों वहाँ पे जा रहे हैं। आगे साइड ट्रैफिक है, तो नियम तो भाई फॉलो करना पड़ेगा ना, 52 सेकंड, 91 सेकंड, 90 सेकंड, ओ भाई साहब इतना लंबा टाइम। देखो बोला था ना मजे कर रही है बैठ के अकेले एकदम फूल सा सीट में, एकदम मस्त वाला फैल के, और ये देखो पानी पी रही है, पानी लेके रखी है, इसको बार बार प्यास लगता है, प्लस पीछे देखो ट्रैफिक लाइट में कितने सारे लोग फंसे हैं, मतलब जब ट्रैफिक आता है ना तो जाम तो काफी तगड़ा लग जाता है यार, ये तो मानते ही है। अभी 54 सेकंड बच रहा है, प्लस ये देखो। तो भाई अभी अपन लोग आ चुके हैं, लाइक देख सकते हो इधर सिर्फ कोठी और बंगला ही है, और अपन लोग किधर आ चुके बता सकते हो, ये जागृति बिहार है, तो इधर ये अपना काम, और फिर ये देख रहे हो कोठी बंगला क्या बोलते हैं ना, वही सब सारा कुछ भरा हुआ है यार, मतलब सारा करोड़पतियों का घर ना इधर ही बसा हुआ है, इतना इतना पैसा का घर बना के रखा है यार सारे लोग। और अपन लोग जागृति बिहार में आ चुके हैं, यहाँ पे आपको ना एक ठो शॉप लेके चलते हैं, काफी मस्त वाला शॉप, उसमें आपको काफी अच्छा अच्छा सा सामान मिलेगा, कपड़ा जूता हर कुछ मिलेगा बहुत ही कम रेट में, वो तो आपको वहाँ पे पहुँच के ही बताएंगे कितने का रेट में, अगर ओरिजिनल जो होती है ना उससे एक फर्स्ट कॉपी होती है ना वही वाली, तो समझ लो कोई भी कंपनी का मतलब फर्स्ट कॉपी यहाँ पे मिल जाती है फ्री में। प्लस सामने के साइड दिव्य श्री मध्य भगवान कथा रस महोत्सव, आगे के साइड लेफ्ट है, तो यहाँ से आपको लेफ्ट लेनी है। फिर ये देखो भाई विज्ञान लोक आनंद विहार रेलवे स्टेशन, इधर ही आनंद विहार रेलवे स्टेशन भी आगे के साइड में, ये भाई मतलब सारे लोग इतना महंगा महंगा घर बना के रहते हैं यार, सोच रहे हो अपन लोग के पास भी ऐसा बंगला हो तो क्या कर सकते हैं यार, काफी मस्त हो जाएगा। सो ये देखो अपन लोग यहाँ पे पार्किंग कर रहे हैं कार को, क्योंकि व्हाइट लाइन ये जो दिख रही है ना इससे भाई अपने को अंदर ही रखनी है कार, तो ये लो अपना कार पार्किंग हो गया है, अभी और अच्छा से कर देते हैं यार व्हाइट लाइन जो है ना इसके अंदर में ही कर देते हैं अच्छे से, वरना भाई मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है इसीलिए, तो ये लो मैंने लगा दिया, और अब एसी बंद, इसको बंद, और फिर अपना गाड़ी बंद। तो फाइनली भाई अपन लोग आ चुके हैं जहाँ पे आना था अपने को, तो अभी मैं ना आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ अपन लोग किधर आए, और ये अपना मस्त वाला कार पार्किंग हो चुका है, लॉक भी कर दिए, और अभी अपन लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए वो कपड़ा वाला में, तो अपन लोग आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं। कैलिन कैली, कालिन कैली ऐसा बोलते ना, ए सर प्लस फैशन स्टोर, तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा अच्छा सा फैशन वाला कपड़ा मिलता है, तो अपन लोग अंदर चलते हैं और फिर कपड़ा का शॉपिंग करते हैं। ये देखो अपन लोग एंट्री ले रहे हैं, यूट्यूब पर भी आप लोग वीडियो देखते होंगे यार यहाँ का, ये भाई ये देखो इसको उतरने का स्टाइल सौम्या का। तो यहाँ पे सिर्फ फीमेल का था, तो इसी कारण से वो लोग वीडियो नहीं बना है, बट हाँ शॉर्ट्स के माध्यम से आपको दिखा दे रहे हैं, लाइक देख लिए होगे। तो अभी अपन लोग चलते हैं मेल वाले में, और फिर वहाँ से अपना कपड़ा देखते हैं, और फिर जूता ऐसा अपन लोग जो भी पसंद आएगा ना उसको लेंगे अपन लोग, तो अभी चलो मेल वाले में चलते हैं। तो ये फर्स्ट वाला था ना, इससे जस्ट थोड़ा सा ही मान लो ना तो मैक्सिमम 200-300 मीटर के बाजू में ही मेल वाला है, तो अपन लोग उसका शॉप में चलते हैं और फिर वहाँ से लेते हैं अपना कुछ कपड़ा जूता जो भी होता है ना वो लेते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं वहाँ का
मतलब कैसा कैसा सामान वहाँ पे मिलता है, कौन कौन सा ब्रांड का सामान मिलता है। फाइनली भाई पहुँच गए, वो अपना स्टोर है। तो अभी अपना फोर व्हीलर यहाँ पे पार्किंग कर दिए और अभी स्टोर में चलते हैं, मतलब कैसा कैसा अपना सामान मिलता है और फिर कैसा अंदर स्टोर में होगा ये तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। सो गाइस, एक होता है ओरिजिनल ब्रांड, एक होता है कॉपी ब्रांड। तो कॉपी ब्रांड कॉपी होता है गाइस, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग कोई कॉपी ब्रांड लेना, क्योंकि यार मेरे को पसंद बिल्कुल ही नहीं आया, एकदम ही बाहियात था यार। मतलब हालांकि बुराई तो नहीं करना चाहिए, बट फिर भी बुराई तो नहीं करना चाहिए गाइज, बट फिर भी मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। लाइक आप लोग भी ऐसा कभी मत सोचना, कभी मत जाना ऐसा जगह जहाँ पे आपको मिले कॉपी वाला सामान की फर्स्ट कॉपी है, ले लो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही बेकार था। इसी कारण से मैंने कुछ नहीं लिया, अपन लोग ऐसे ही आ गए। और जब आपको कुछ दिखाने का था ही तो फिर मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ ना, जहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स जाते हैं और फिर खाते छोले भटूरे, तो अपन लोग भी वहाँ जाते हैं और फिर छोले भटूरे खाते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ का लोकेशन। तो अभी देख रहे हो यहाँ से यू टर्न लेंगे ना, फिर आगे से भी है यू टर्न। तो यहाँ से भी अपन लोग यू टर्न लेते हैं। तो यू टर्न के लिए अपने को ना पहले इसको उठा के इधर के साइड डालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा रिवर्स के साइड, क्योंकि आगे गाड़ी है ना, ये दिख रहा है, ठुकने के कारण अपन लोग रिवर्स करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट यू टर्न लेंगे। सो ये देखो, ये अपना कुछ ऐसा दिखाता है मैप में, देख रहा हूँ, ये देखो ये ऐसा है। कार से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे आ गए, अब आराम से गियर आगे की तरफ करके इंडिकेटर मार दिए, ये देखो इंडिकेटर, और अब अपन लोग यू टर्न ले सकते हैं, मस्त वाला यू टर्न और आगे की साइड फिर से गाड़ी। लेकिन इतना में तो काम चल जाएगा अपना, आराम से चल जाएगा। और फिर ये शॉप था, मेरे को तो पसंद नहीं आया, आप लोग देख लेना, आप लोगों को पसंद आता है फिर नहीं आता, इससे अच्छा तो दुकान में ही ले लेंगे, बट कुछ लोगों को पसंद आती है। और फिर इधर का लोकेशन देख रहा हूँ भाई, बहुत ही भयानक वाला लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है। सामने की साइड देखो यार, क्या ही भयानक वाला बिल्डिंग है, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन में है एक फुल। सो गाइस, अभी हम लोग मस्त वाला छोले भटूरे खाने के लिए आ गए, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे अपन लोग आए छोले भटूरे खाने के लिए। तो आप लोग ना एक बार यहाँ का ट्राई करना, बहुत ही अच्छा छोले भटूरे मिलता है। तो अभी चलते हैं अपन लोग खाने के लिए। पहले अपन लोग छोले भटूरे खाने के लिए जा रहे हैं हर गोविंद 118 नियर कम्युनिटी सेंटर। तो ये सौम्या, और फिर अपन लोग जा रहे हैं अभी खाने के लिए। ये कार को लॉक कर दी, चाबी भी सौम्या के पास, अंदर चलते हैं, मस्त वाला छोले भटूरे खाते हैं अपन लोग, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग टेस्ट करते हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ एक बार टेस्ट करके देखना कैसा छोले भटूरे मिलता है, प्लस देखो यार रेसिपी बनाने का तरीका देख रहे हो, प्लस कुछ लोग इधर खा रहे हैं और यहाँ पे भाई मतलब अपन लोग लेके खाएंगे पहले छोले भटूरे का रेसिपी। छोले भटूरे क्या खाएंगे, प्लेट कितना पीस आता है एक प्लेट में? दो पीस उधर लिखा हुआ है सारा कुछ। तो यहाँ पे आगे ना एक बार ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी सा छोले भटूरे मिलता है। तो अभी अपन लोग खाते हैं पहले, फिर देखते हैं। सो भाई अभी तो अपन लोग खाने के लिए आ चुके हैं, और फिर ये देखो अपन लोग क्या लिए, दही है ये, तो अपन लोग दही भी लेंगे, प्लस 3 स्पून पहले ही ले लिए, ये देख रहे हो 3 स्पून पहले ही ले लिए। अपन लोग खाते हैं पहले, आपको दिखाएंगे ना कैसा कैसा यहाँ पर मिलता है, जो भी आएगा ना अपना छोले भटूरे वो आपको दिखाएंगे, उसके बाद सब टेस्ट करेंगे ना, सब टेस्ट करोगे ना, सब टेस्ट करेगी पहले, तो देखते हैं अभी कैसा बन के आता है छोले भटूरे। तो गाइस सॉरी यार, ये दही नहीं, ये लस्सी है, देख रहे हो कुल्लड़ वाली लस्सी ऐसा बोलते हैं, और सौम्या ये ली है, इसको अच्छा लगता है कुल्लड़ वाली लस्सी भाई चाय पियोगे ना मतलब कुल्लड़ वाली है, देखो कुल्लड़ वाली लस्सी भी आज देख ली है। तो गाइस ये देखो, ये अपना छोले भटूरे मेरा और सौम्या का, सिर्फ हम दोनों ही खा रहे हैं। ये देखो दो भटूरे छोले, प्लस ये पता नहीं आलू का फ्राई है, चटनी है, प्याज है, और फिर ये आम का अचार है, और ये अपना लस्सी ये सौम्या का। भाई दो भटूरे हैं, ये छोले हैं, चटनी है, मिर्ची है, आम का अचार है, कच्चा आम जो अभी सीजन चल रहा है ना कच्चा आम का वो है, प्याज है, और फिर इधर आलू का फ्राई है। सब टेस्ट करके बताना कैसा है, टेस्ट करके बताओ पहले, चाबी तो मैंने ले लिया, अभी टेस्ट करके बताएगी थोड़ा सा कैसा लगता है इसको, इतना सा छोटा सा बाइट आइला यार कैसा लग रहा है, मस्त है। चलो तो हम लोग भी अपन लोग भी खा के देखते हैं कैसा लगता है। सो फाइनली गाइज अपन लोग खा लिए छोले भटूरे प्लस चूर चूर नान, ऐसा बोलते चूर चूर करके नान था वो भी खा लिए। बट देखो मैं अगर दिल से जेन्यून बोलू ना तो मैंने कभी आज तक नहीं खाया था, लेकिन
थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिला था यार, तो अपन लोग खा लिए आके। बट हाँ, मैंने सोचा और भी अच्छा वीडियो बनाए, बट अपन लोग टेस्ट किए ना, टेस्ट काफी अच्छा था, लेकिन वाइली इतना था ना गाइस कि प्लीज यार, अगर खाना हो ना तो बस सप्ताह में एक बार नहीं बोल सकते, महीना में एक बार एनफ है गाइस, महीना में एक बार ना बहुत ही ज्यादा एनफ है, उससे ज्यादा ट्राई मत करना यार, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वाइली था, बहुत ही ज्यादा। लाइक मेरा फेवरेट है छोले भटूरे, बट फिर भी मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो सोचो यार आप लोग को कैसा अच्छा लगेगा, सोच सकते हो। तो प्लीज यार ट्राई ज्यादा मत करना, जितना हो सके हेल्दी लाइफ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है गाइस, तो हेल्दी लाइफ, अच्छा अच्छा चीज खाना, ज्यादा ऑयली चीज नहीं खाना, बहुत ही मेरे को अच्छा नहीं लगा यार, मैं लिटरली बोलू ना तो अच्छा नहीं लगा, अच्छा था बट फिर भी ऑयली ज्यादा है ना, फैट के लिए प्लस कोलेस्ट्रॉल बहुत ही हैवी हो जाएगा इसीलिए, बट अच्छा चीज था। देखो यहीं पे अपन लोग खाए थे, बट अभी अपन लोग यहाँ से निकल रहे हैं, इधर से अपना कार पार्किंग से निकाल लिए यहाँ के साइड से, और अभी अपने को सामने से यू टर्न लेना है ना, तो अभी फिर से बैक करना पड़ेगा क्योंकि आगे की साइड कार है, तो इसको बैक कर रहे हैं मस्त वाला। ये देखो अपना, ये जो कैमरा है ना पीछे वाला, डिक्की में दिया है ना, अच्छा दिया है, प्लस बहुत ही ज्यादा बिजी रोड हो गया क्योंकि अभी टाइम भी 6:30 हो रहा है, ये देख लो 6:25 हो गया है।